तहसील पाली के लोग कई वर्षों से अस्पताल की मांग कर रहे हैं, अभी तक मांग पूरी नहीं हो सकी। पाली में कब अस्पताल की सौगात मिलेगी? फिलहाल पाली एवं उसके साथ लगते क्षेत्रीय लोगों के उपचार के लिए उपजिलाधिकारी डॉक्टर रवि प्रताप सिंह द्वारा अस्पताल के लिए लगातार प्रयास है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि फिलहाल पाली में 3 MBBS डॉक्टर महीने में 4 बार जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं देंगे। सोमवार और गुरुवार में सप्ताह में 2 दिन आपको 1 MBBS डॉक्टर्स की यहाँ उपलब्धता रहेगी, जिससे कि पब्लिक को अपना जो इलाज कराना है तो अच्छे से सुविधा मिल जाएगी। जो हमारा अर्बन PSC यहाँ पर चलता है, डॉक्टर दामोदर निरंजन उसको रनिंग में अभी काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो BMS है, आयुष से हैं, तो उनकी जगह पे वो तो रहेंगे ही, साथ में हमारे 1 MBBS डॉक्टर्स भी रहेंगे, जिससे कि असुविधा होती है पब्लिक को कि यहाँ से वृद्धा जाना है या आसपास कहीं और जाने के लिए वो परेशान हो जाते हैं। तो एक अभी हाल के व्यवस्था को सुधार करने के लिए हमें 1 MBBS डॉक्टर्स की उपलब्धता हो गई है, जो कि अभी मतलब परमानेंट तो नहीं है, लेकिन अभी हाल की व्यवस्था के लिए सर के द्वारा कराई गई है। टाइमिंग सर जो अस्पताल का रहता है